हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में जो है मैं आप सभी को ये बताने वाला हूँ कि आप अपने मोबाइल में जो है रैम कैसे बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, जितने भी अब नए मोबाइल आते हैं ना, उसमें जो है नया सिस्टम जो है देखने को मिलता है। आप अपने मोबाइल के इंटरनल स्टोरेज को जो है रैम में जो है कन्वर्ट कर सकते हैं, बदल सकते हैं। ठीक, तो जितने भी नए मोबाइल आ रहे हैं उसमें जो ये नया सिस्टम जो देखने को मिलता है, आप जो है रैम बड़े आराम से अपग्रेड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे जो है हमारे पास तीन मोबाइल है, मतलब कि दो मोबाइल है और एक सौमी का पैड है। तो यहाँ पे हम रियलमी में कैसे होता है उसके बारे में भी बताएंगे, सौमी के मोबाइल में, पोको के मोबाइल में कैसे होता है उसके बारे में बताएंगे, और सैमसंग मोबाइल में भी जो ये सिस्टम आपको देखने को मिलता है, ये जो है हमारा सैमसंग गैलेक्सी M14 5G मोबाइल है। तो इसमें भी जो है हम रैम को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो कैसे किया जाता है इस वीडियो में जो मैं आप सभी को इन तीनों डिवाइस में जो है करके दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले जो है रियलमी के मोबाइल में जो है मैं आप सभी को दिखा देता हूँ। आपको करना क्या है कि मोबाइल के सेटिंग में चले जाना है। तो यहाँ पे जो है हमारी मोबाइल की सेटिंग यहाँ पे दिखाई दे रही है, यहाँ पे क्लिक करके जो है हम इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद जो है आपको अबाउट वाले ऑप्शन पर चले जाना है। यहाँ पर अबाउट डिवाइस का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जो यहाँ पर रैम का ऑप्शन जो देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो आप देख सकते हैं कि ये जो रैम वाला ऑप्शन है ना, ये बंद है, तो इसको जो आपको कर देना है चालू। चालू करने के बाद जो यहाँ पे बोल रहा है कि 4 GB कि 6 GB कि 8 GB, कितना GB जो है आप अपने रैम को बढ़ाना चाहते हैं। दोस्तों, ध्यान रखिएगा, इस चीज़ को अगर आप बढ़ा रहे हैं ना तो आपके मोबाइल का इंटरनल स्टोरेज का जो है इस्तेमाल होगा। ठीक, तो अगर आपके मोबाइल का इंटरनल स्टोरेज यानी कि स्टोरेज जो है भरा हुआ है तो आप नहीं कर पाएंगे, कुछ चीज़ें जो है आपको डिलीट करना पड़ेगा, फिर उसके बाद जो आप इसको बढ़ा सकते हैं। तो जैसे कि मैं जो इसको 8 GB कर देता हूँ। ठीक है, बैक कर देना है आपको। जैसे ही बैक वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे री स्टार्ट नाउ का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे क्लिक कर देना है। ठीक, क्लिक करेंगे तो यहाँ पे चालू होगा, तो इसमें जो है 8 GB रैम जो है बढ़ जाएगा। ठीक है, तो जब तक ये चालू हो रहा है तब तक जो है मैं यहाँ पे MI के टैब में जो है कैसे होता है, तो इसमें जो है करने के लिए क्या करना है, सिंपल जो है आपको चले जाना है इसके भी जो है सेटिंग में। ये सेटिंग दिखाई दे रही है, हम जो है यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद जो है कुछ इस प्रकार से जो है एक पेज ओपन हो जाएगा, नीचे की तरफ आना है और यहाँ पे जो है आपको एक एडिशनल सेटिंग जो है देखने को मिलती है। ठीक, ये जो है थोड़ी सा जूम हम कर देते हैं, ये जो आप देख सकते हैं कि एडिशनल सेटिंग जो है देखने को मिल रही है, यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद जो है आपको क्या करना है कि उसके बाद जो है आपको यहाँ पे ढूंढना है मेमोरी वाला ऑप्शन। ठीक है, ये देख सकते हैं कि मेमोरी वाला ऑप्शन जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जो यहाँ पे बोल रहा है कि 2 GB 3 GB या 5 GB जो है आप इसको रैम को जो है बढ़ाना चाहते हैं, तो हम जो है 3 GB बढ़ाना चाहते हैं, 3 GB सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद जो ये बोलेगा कि एक बार रीस्टार्ट करिए, तो रीबूट नाउ पे जो है आपको कर देना है क्लिक। ये जो है चालू होगा, एक बार बंद होगा, फिर उसके बाद जो है चालू होगा। ठीक, तो जब तक ये चालू हो रहा है हम जो है यहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी M40 5G मोबाइल है, इसमें भी जो है मैं आप सभी को रैम जो है बढ़ाकर दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे जो है ये चालू हो चुका है। आपको जो है सिंपल मोबाइल के सेटिंग में जाना है, तो मोबाइल की सेटिंग जो है यहाँ पे दिखाई दे रही है, यहाँ पे हम कर देते हैं क्लिक। क्लिक करने के बाद जो है आपको नीचे की तरफ आना है और यहाँ पे जो है आपको बैटरी एंड डिवाइस का ऑप्शन जो है देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जो है आप सभी को चले जाना है मेमोरी वाले ऑप्शन पे। ये देखिए मेमोरी का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे थोड़ी सा जो आपको इंतज़ार करना पड़ेगा और यहाँ पे रैम प्लस का ऑप्शन जो देखने को मिलता है नीचे की तरफ, यहाँ पे क्लिक करके अब जितना जो है आप बढ़ाना चाहते हैं, जैसे कि मैं जो इस ये ऑफ है तो इसको ऑन कर देता हूँ। ऑन करने के लिए भी जो है यहाँ पे री स्टार्ट नाउ का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है 4 GB सेलेक्ट है, तो 4 GB जो है हमारी रैम जो है यहाँ पे बढ़ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, तो ये जो है रिस्टार्ट हो रहा है। और अगर आप इसमें चाहें तो बढ़ा भी सकते हैं। रिस्टार्ट करने के बाद जो यहाँ पे 2 GB और 6 GB का भी जो है ऑप्शन आ जाता है, तो उसको जो है आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमारा मोबाइल चालू हो रहा है, ये जो है चालू हो चुका है और यहाँ पे सौमी पैड भी जो है यहाँ पर चालू हो चुका है। तो चलिए जो मैं इसको दिखा देता हूँ, यहाँ पर सेटिंग में चले जाते हैं, अबाउट में चले जाते हैं और यहाँ पर जो आप देख सकते हैं 8+8 हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे जो आप देख सकते हैं कि 8+8 रैम जो है यहाँ पे बढ़ चुकी है, यानी कि अब जो है हम यहाँ पे 16 GB रैम जो है यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, उसी प्रकार जो यहाँ पे सौमी में भी जो है आप देख सकते हैं कि हमने जो है यहाँ पे सेटिंग में चले जाते हैं,
सेटिंग में जाने के बाद जो है आपको जाना है भैया एडिशनल सेटिंग में। यहाँ पे जो है हमको मेमोरी वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक कर देते हैं और ये देख सकते हैं कि हमारी जो 3 GB रैम है वो बढ़ चुकी है। अबाउट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे जो है हम ऑल डिवाइस स्पेस में क्लिक कर देते हैं और यहाँ पे जो आप देख सकते हैं 6+3 GB जो रैम यहाँ पे बढ़ चुकी है। ठीक, अब जो है हमारा यहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी M45G मोबाइल भी जो है चालू हो चुका है। अब ये जो है चालू होने के बाद जो है कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। चलते हैं इस मोबाइल के सेटिंग में, तो इसको थोड़ी सा स्टार्ट होने के बाद जो है लैग कर रहा है क्योंकि चालू होने के बाद जो है थोड़ी सा समय लगता है इसको अच्छे से स्टार्ट होने में। यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। सेटिंग में चले जाते हैं। सेटिंग में जाने के बाद जो नीचे की तरफ आना है आपको और यहाँ पे जो है बैटरी या अबाउट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जो है रैम के बारे में नहीं दे रहा है तो हम जो है बैक कर देते हैं, चले जाते हैं बैटरी वाले ऑप्शन पे। यहाँ पे मेमोरी में चले जाते हैं और यहाँ पे जो आप देख सकते हैं कि हमारा जो है यहाँ पे 4 GB रैम जो है यहाँ पे बढ़ चुका है। ठीक, तो दोस्तों कुल मिलाकर इस तरीके से जो है आप अपने मोबाइल में जो है रैम जो है बढ़ा सकते हैं। इस वीडियो में केवल इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। मन में कोई भी सवाल रहता है तो कमेंट बॉक्स में लिख के हमसे पूछ सकते हैं।